तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि एक क्वाइन है प्लेस ऑन ए टर्नेबल टेबल। मतलब एक क्वाइन को मैं टेबल पे रख दूं और वो जो क्वाइन है प्लेस ऑन ए रोटेटिंग टर्नेबल टेबल, ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो ओमेगा से अपनी एक्सिस पर घूम रहा है। दिस टेबल इज रोटेटिंग एट, ये सेंटर मान लेता हूँ, इस एक्सिस पर पूरा का पूरा टेबल ओमेगा से घूम रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दिस टेबल इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये टेबल के चार हाथ पांव हैं। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे, ये क्वाइन यहाँ पे रखे हो, क्वाइन अगर रखे हो तो चलो मान लो यहाँ पर क्वाइन रख देता हूँ, दिस इज़ द क्वाइन, ये यहाँ पर एक क्वाइन रख दिया, ठीक है। अगर एक क्वाइन रख दिया तो ये क्वाइन इस टाइप के सर्कल में घूम रहा होगा इस टेबल के साथ, ठीक है ना। इस टाइप के सर्कल में क्वाइन घूम रहा होगा। तो अगर ये घूम रहा है तो हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस क्वाइन। क्वाइन इज जस्ट स्लिप प्लेस एट 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेनर डबल, इट विल स्लिप एट ए डिस्टेंस। अगर मैं, ठीक है ना, ओमेगा बढ़ा देता हूँ, देखो अगर जैसे ही ओमेगा बढ़ाओगे, ठीक है ना, ये ओमेगा से घूम रहा था यार, बहुत तेजी से घुमाओगे तो स्लिप करने के चांस कॉइन के ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉइन पे नॉर्मल ऊपर लगेगा और एम जी नीचे लगेगा, और कॉइन नॉन इनर्शियल फ्रेम में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा जो कि वैल्यू होगी एम रेडियस आर ओमेगा स्क्वायर। और सिंस कॉइन बाहर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ आएगा अंदर, ठीक है। तो ये चार फोर्सेस कॉइन पर लग रहे हैं। अगर ओमेगा बढ़ा दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू, ये है सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये सूडो फोर्स बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो स्लीपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब आर कम हो जाएगा। तो पहले चार था तो आर कम हो जाएगा, तो चार रहेगा नहीं, 8 होगा नहीं, तो या तो ये सही है या तो ये सही है। अब कौन सा सही है वो निकाल लेते हैं। चलो, सिंस फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम जस्ट स्लीप है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा, लिमिटिंग लग रहा होगा, उसकी वैल्यू न्यूमियन होगा और ये सूडो के बराबर होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से म्यू और यहाँ से एम जी, और दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें देखो, अगर मैं ओमेगा बढ़ाता हूँ तो आर एम जी ये सारे कांस्टेंट रहेंगे, मतलब ओमेगा इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये ओमेगा और आर में एक रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि बाकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो बच्चों कांस्टेंट है। मतलब यह आ जाएगा ओमेगा 2/ओमेगा 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो R1/R2 अंडर रूट आ जाएगी। तो ओमेगा 2 अगर देखोगे तो ओमेगा 2 कितना कर दिए हम लोग, बोलो, स्लीपिंग डिस्टेंस हमें निकालना था, तो ओमेगा 2 हमने डबल कर दिया, 2 ओमेगा, और ये ओमेगा हो गया, और R1 R था, और ये R2 हमें निकालना है, और इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर ले लोगे तो ओमेगा ना ओमेगा काट दिया, और 4 दैट इज R/R2, तो R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R/4, और R की भी वैल्यू पहले 4 दी थी, मतलब 1 सेंटीमीटर पे अप स्लिप करेगा। मतलब ए ऑप्शन सही है, बी गलत है। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू।